हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप सैमसंग के कीपैड मोबाइल में पासवर्ड लगा सकते हो, यानी कि फ़ोन पर जो लॉक है वो लगा सकते हो, पासवर्ड लॉक को लगा सकते हो। तो कैसे पासवर्ड लॉक को लगाना है, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप भी अपने सैमसंग के कीपैड मोबाइल में पासवर्ड को लगा पाओ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, मेनू में आ जाना है, यहाँ पर ओके वाली बटन को दबा देना है। और जैसे दबा दोगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेटिंग वाले पर आ जाना है आपको और फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी का। तो देख पा रहे हो सिक्योरिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। तो ये लिखा हुआ है सिक्योरिटी, तो इसी पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है फ़ोन लॉक का, तो इसी पर फिर से आपको ओके करना है। और यहाँ से आप अपना पासवर्ड डाल लीजिए जो भी आप रखना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ 00 को 4 बार कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये ओके वाली बटन को आपको ओके कर देना है। फिर से आपको वही पासवर्ड डाल देना है जो आपने डाला है और फिर से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए एक्टिवेट हो चुका है, अभी आपका जो फ़ोन लॉक है वो लग चुका है। अभी देखना ये लॉक लग जाएगा और उसके बाद अब ये लॉक लग चुका है। अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये अभी ओपन हो रहा है, लेकिन अगर मैं स्विच ऑफ जो है यहाँ पर करके इसको दोबारा खोलूँगा तो वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने स्विच ऑफ़ कर दिया और अभी मैं आपको ओपन करके इसको दिखाऊँगा, यहाँ पर पासवर्ड जो है लगा मिलेगा। तो चलिए मैं फिर से ओपन करता हूँ और देखिए इसको मैंने ओपन कर दिया और ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है। तो अब मैं यहाँ पर जैसे ही पासवर्ड अपना डाल दूँगा तो ये जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। चलिए मैं इसको ओके करता हूँ और देखिए फ़ोन लॉक पासड, तो अब ये ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर जो है फ़ोन को लॉक कर सकते हो अपने किसी भी, यानी कि कोई दूसरा पर्सन इसको यूज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।